हेलो गाइस, तो आज मैं जाने वाली हूँ फैशन फैक्ट्री, जहाँ पर अनब्रांडेड टू ब्रांडेड एक्सचेंज ऑफर लगा हुआ है। तो जाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ ओल्ड कपड़े निकाल लिए हैं जिन्हें कोई यूज़ नहीं करता। तो आज मैं ये सारे कपड़े देने वाली हूँ फैशन फैक्ट्री में, जिसके बदले हमें वहाँ पर कूपन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दो टी शर्ट हैं, ये मेरी बेटी की हैं, तो वो अब इन्हें नहीं पहनती हैं, तो इन्हें मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पर ये कुर्ती है, तो इसका कलर थोड़ा सा फेड हो रखा है, तो इसे भी मैं अब यूज़ नहीं करती, तो इसे भी मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये टी शर्ट मेरे बेटे की है, तो वैसे तो ये टी शर्ट काफ़ी अच्छी है, मैक से मैंने इसे ख़रीदा था, लेकिन ये अब थोड़ी छोटी हो गई है, तो इसे भी मैं देने वाली हूँ। तो ये अगली टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है, वो इसे नहीं पहनते। तो जो भी ओल्ड या पुराने कपड़े आप नहीं पहनते, आप उन्हें दे सकते हो। कपड़े पुराने तो हों पर फटे हुए ना हों, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये पिंक कलर की हाफ बाजू की शर्ट है, और ये अगली ब्लू कलर की फुल बाजू की शर्ट है। ये दोनों ही मेरे हस्बैंड की शर्ट है, इसका जो कॉलर है हल्का सा फेड हो रखा है, तो कुछ दिन पहले ही अपनी अलमीरा से उन्होंने इसे डिस्कार्ड कर लिया था। तो ये जीन्स मेरे बेटे की है, ये जीन्स उसने काफ़ी पहनी है, लेकिन अब वो इसे नहीं पहनता। तो सारे कपड़ों को कैरी बैग में डालकर मैं अब जा रही हूँ आर मॉल, जो कि मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो फ्रेंड्स, इस मॉल में काफ़ी सारे फेमस ब्रांड हैं। तो अंदर पहुँचने पर सबसे नीचे है वेस्ट साइड, उसके ऊपर मैक्स, और मैक्स के ठीक ऊपर है फैशन फैक्ट्री। तो मैं फैशन फैक्ट्री पहुँच चुकी हूँ, और एंट्री गेट के लेफ्ट साइड में एक काउंटर बना है, जहां पर आपको अपने ओल्ड कपड़ों के बदले इस तरीके के कूपन मिल जाते हैं। तो हर कपड़े का अपना अलग कूपन होता है, जैसे एक ओल्ड जीन्स के बदले आपको 400 का, और एक शर्ट देने पर आपको 250 रुपीज का कूपन मिल जाएगा। तो मैंने भी अपने सारे ओल्ड कपड़े देकर कूपन ले लिए हैं। तो ये कुछ वीडियो क्लिप फैशन फैक्ट्री के अंदर की है। तो आज मैं यहाँ से क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, और ओल्ड क्लोथ एक्सचेंज ऑफर का कैसे फ़ायदा उठाती हूँ, ये देखने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। कपड़ों के अलावा ब्रांडेड बैग में भी अच्छा ऑफर इन दिनों यहाँ पर लगा हुआ है, पर इनमें कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है। तो लेडीज सैंडल के अलावा मैन के शूज़ पर काफ़ी अच्छा ऑफर यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे स्केचर्स के शूज़ पर 40% ऑफ है, और अगर आप 300 का कूपन देते हो तो 40% के बाद 300 और माइनस हो जाएगा। तो एडिडास के शूज़ पर 50% ऑफ है, और 300 एक्सचेंज ऑफर भी है। इसी तरीके से टी शर्ट पर 50% ऑफ के बाद 150 रुपीज का यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है। इसका मतलब है कि अगर किसी टी शर्ट का MRP 800 है, तो 50% ऑफ के बाद 400 उसका प्राइस होगा, और अगर आपने 150 रुपीज का कूपन दिया है तो 400 में से 150 और माइनस हो जाएंगे, तो वो टी शर्ट आपको 250 रुपीज की मिलेगी। तो हर ब्रांड की टी शर्ट पर कुछ ना कुछ ऑफर यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से मैन की लिवाइस की जीन्स पर 50% ऑफ के बाद 400 का एक्सचेंज ऑफर भी है। इसका तो MRP ही 3800 या उससे ऊपर था, जो एक्सचेंज के बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। तो एक जगह मैन की जीन्स पर काफ़ी अच्छा ऑफर था, तो डिस्काउंट के बाद यहाँ पर जीन्स का जो फाइनल प्राइस था वो 899 है। अगर आप 400 का कूपन देते हो तो ये जीन्स आपको ओनली 499 रुपीज में मिलेगी। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए दो जीन्स खरीदी। तो ट्रायल रूम में मैंने भी कुछ कुर्ती ट्राई की, क्योंकि इस ऑफर में कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो सोच समझ कर ही आप अच्छे से कपड़े देख कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ, और जितने भी कपड़े मैंने आज फैशन फैक्ट्री से ख़रीदे हैं उन्हें इस तरीके से इस बेड पर रख दिया है, ताकि एक एक करके इन्हें मैं आपको दिखा सकूँ। तो एक एक कपड़े का MRP और उसके बाद ऑफर प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये लेडीज पिंक कलर की लाइनिंग टी शर्ट है, और इसे मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। इसका जो साइज है वो है मीडियम, और MRP इसका 599 है, लेकिन इस टी शर्ट में 60% ऑफ था, तो इसका प्राइस हुआ 239, और 100 रुपये इसमें एक्सचेंज ऑफर भी था। तो फाइनली ये टी शर्ट मुझे 139 में मिली, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट इस टी शर्ट में मुझे मिला। तो ये दूसरी ब्लैक कलर की टी शर्ट भी मैंने अपनी बेटी के लिए घर में पहनने के लिए ली है।
तो इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें टैग नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका जो MRP और ऑफ़र है वो भी सेम पहले वाली टी शर्ट जैसा है। तो ये टी शर्ट भी मुझे 139 या 140 रुपीज़ की मिली। तो अब मैं आपको ये मस्टर्ड कलर की कुर्ती दिखाती हूँ। तो इसे मैंने अपने लिए लिया है, इसका भी कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। MRP इसका 899 है, 50% ऑफ के बाद 450 रुपीज़ इसका प्राइस हुआ। इसमें 200 एक्सचेंज ऑफर था तो 200 और माइनस हो गए, तो ये कुर्ती मुझे 250 रुपीज़ में मिली। तो कुछ दिन पहले मैंने सेम कलर का ये प्रिंटेड प्लाजो लिया था जूडियो से, तो इस प्लाजो को मैं फैशन फैक्ट्री में अपने साथ ले गई थी, तो इसी के मैच की मुझे ये कुर्ती मिल गई। तो मेरा यहाँ पर ये सेट बन गया। तो ट्रायल रूम में मैंने इन्हें पहनकर भी देखा था और काफ़ी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो अब बात करते हैं इन टी शर्ट की। तो ये दोनों ही टी शर्ट मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली हैं। ये ब्लैक कलर की मीडियम साइज़ की कॉलर वाली टी शर्ट है, इसका MRP 699 है। इसमें 50% ऑफ था तो उसके बाद इसका प्राइस 350 हुआ, लेकिन इसमें 150 रुपीज़ के कूपन देने पर ये टी शर्ट हमें केवल 200 में मिली। तो ये अगली टी शर्ट भी कॉलर वाली है, इसका जो कलर है वो मरून है। तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर बात करें इसके MRP की, तो इसका MRP है 899, इसमें भी 50% ऑफ था तो 50% ऑफ के बाद 449 इसका प्राइस हुआ, और 150 रुपीज़ इसमें एक्सचेंज ऑफर था तो ये टी शर्ट हमें 299 रुपीज़ में मिली। तो अब बात करते हैं इन दो जीन्स की। तो ये दोनों ही जीन्स मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली हैं, दोनों का साइज 34 है। तो ब्लू कलर की ये जीन्स इंडिगो प्लस की है, इसका जो कपड़ा है वो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगा, तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका। तो अगर बात करें इस जीन्स के MRP की, तो इसका MRP मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। इसका जो MRP है वो है 2995 या 3000 के अराउंड, लेकिन ऑफ़र में इसका प्राइस 899 हो गया और 400 के कूपन देने पर इसका फाइनल प्राइस हुआ 499 या 500। तो ब्लैक कलर की ये जीन्स भी इंडिगो प्लस की है, इसका भी MRP और फाइनल प्राइस पहले वाली जीन्स जैसा ही है। तो 998 या 1000 से भी कम में ये दो जीन्स हमें इस एक्सचेंज ऑफर वाली सेल में मिली, तो बहुत अच्छा ऑफर हमें यहाँ पर इसमें मिला। तो अब मैं आपको आज का बिल भी दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए तो इन दोनों का MRP और उसके बाद कैसे उन्होंने इसका डिस्काउंट निकाला इस एक्सचेंज ऑफर में, आप देख सकते हो। तो एक का MRP 599 है और दूसरी इस टी शर्ट का 899। तो पिंक टॉप 60% ऑफ था तो 60% ऑफ के बाद 239 इसका प्राइस हुआ, लेकिन 100 रुपए के कूपन देने पर 139 का ये हमें मिला। तो इसी तरीके से टी शर्ट का MRP 899 था, 50% ऑफ के बाद 449 हुआ और 150 रुपीज़ के कूपन देने पर 299 का हमें मिला। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की फैशन फैक्ट्री में अनब्रांडेड टू ब्रांडेड एक्सचेंज ऑफर सेल। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव जरूर रही होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।